मैं ये कह रहा था इनसे कि हसन मियां को मैंने ही जहां तक पहुंचाया मैंने ही पहुंचाया, सज्जादा नशीन मैंने बनाया, वली यह है कि मैंने बनाया। उनसे बड़े बड़े मौजूद थे, उन पर छलांग लगा करके समझा, हाशमी मियां मौजूद, जीरानी मियां मौजूद, और ये होता क्या पर पोते को उठा करके समझा, ये मैंने किया। इसके लिए जो तदबीरें थी वो मैंने, हमारे घर के किसी ने इसको पसंद तो नहीं किया लेकिन मेरी मुखालफत भी नहीं की। ये शराफत, बड़े बुजुर्ग चुप बैठे हैं, पसंद नहीं किया कि पहले तो सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत छोटा, उसको आपने बना लिया। मैंने कुछ भी सोचा, मेरे से भी दूसरा ख्याल था, वो मैंने बता भी दिया कि मेरे भाइयों में सबसे बड़े जो थे महामिद अशरफ थे, मुसन्ना मियां से ही बड़े महामिद अशरफ, मुसन्ना मियां, मैं, किरहास, चार भाई थे। महामिद अशरफ जो थे कान जुबान से माजूर थे मगर भाई तो मेरे ही थे। अब सज्जादा नशीनी का मसला हमारे जहन में जब आया, सज्जादा नशीनी किससे बना, जिस नस्ल में रहेगी आखिर तक है। इस बात पर आप लोग गौर कर लीजिए कि ये बुनियादी बात है, समझो ये सब आपको भी शायद ना मालूम। तो क्या करें, वरना सीधी सीधी बात क्या थी कि हमने हमजा अशरफ को गोद लिया था तुम्हारे बाद, वही सही बात, सीधी बात थी, है ना जी। मगर हमारे जहन में था कि सज्जादा नशीनी मुहद्दिस आजम की, वो मुहद्दिस आजम के घराने में हो और उनके सबसे बड़े बेटे की औलाद हो, ये नुकता था। अब सबसे बड़े बेटे मुहम्मद अशरफ, यही थे बड़े बेटे, इसलिए कि अगर कोई ना होता तो फिर यही होता। तो मेरी नजर मुहम्मद अशरफ की नस्ल में, यानी बड़े बेटे की नस्ल में सज्जादा नशीनी रहे, तो अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। और बहुत सारे अहलियत वाले थे, उनको नजरअंदाज करना पड़ा। मुहम्मद अशरफ का बेटा अरबी मियां, जीलानी मियां, अरबी मियां का बेटा हसन मियां, अरबी मियां के पास वो इल्म नहीं जिसकी वजह से हम उनको जकात दे दें। जीलानी मियां का भी मामला कुछ ऐसा हो गया था, कुछ बीच में गड़बड़ मसले वाले, तो फिर उनको भी कैसे दे दें। तो अब अरबी मियां के बेटे पर हमने तवज्जो की कि नस्ल वही हो जाएगा, इसको पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल पढ़ा करके इसी के दे दो। हमारे खानदान में किसी ने पसंद किया हो या न किया हो मगर कोई इसके खिलाफ उठा नहीं। हाशिम में ज्यादा हकदार बनते थे, वो एहतजाज कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे, मगर उन्होंने भी नहीं उठाया। इन्होंने जो फैसला कर दिया, मैं सज्जादा नशीन था, सच्चा यही है, जो सज्जादा नशीन जो चाहे फैसला कर दे, इसमें किसी का वो नहीं होता। तो वहां तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा इसके अंदर कोई कमी ना रहे, कोई ऐसे को कैसे सज्जादा नशीन बना दिया। उस वक्त से मैंने इसकी परवरिश की, उसको आगे बढ़ाया,
बगदाद की तालीम दिलाई, हैदराबाद से सनत दिलाया जगह जगह से, और मुझको इसके ऊपर सबसे ज्यादा एतमाद था। उसी का इजहार हम आप लोगों के सामने भी कभी कभी करते किया, सच्चाई है। ये सिलसिला चलता ही रहा, चलता। अब एक बार की मुझको एक किसी ने इल्म दिया कि हसन मियां ने गृह मंत्रालय में आपके खिलाफ एक दरख्वास्त दी। अब ये खबर तो चौंका देगी हमको। फौरन मैंने कहा ये काम हसन मियां तो कर ही नहीं सकते। जिस तरतीब से हम बात कर रहे हैं उसी तरतीब से अपने जहन में रखिए। ऐसे 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 उस वक्त तो मैंने कह दिया, मैं कहने वाले का मैं ला के दिखा दूं तो कहा जब देख लूंगा तो मानने में होगा। वो अप्लीकेशन किस ढंग से किसको कैसे मिली इस बहस में हमें इसलिए नहीं जाना कि वो खुफिया महकमे में गई थी, वो इतनी आसानी से कोई नहीं निकाल सकता। इत्तेफाक जैसे लीकेज हो जाए किसी और तरीके से तो और बात है। आप अगर खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट को दिखा भी दें तो पूछें कहाँ से लाए आप, ये सवाल होगा। आप हमारे अंदर कैसे पहुंच गए गवर्नमेंट को ये सोचो। खैर इतना हमें हुई कि उसमें पांच ये इल्जाम वगैरह हमने मुख्तलिफ तहरीरों में जाहिर भी किया है। पता नहीं वो तहरीरें आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी हैं, लेकिन समझा। बहरहाल पांच इल्जाम उन्होंने लगाए हैं और उसमें ज़्यादा ये नज़र आ रहा है लपेट, चूँकि हम ये घराने के, मगर सबसे ज़्यादा गुस्सा का हमजा अशरफ के ऊपर ट्रस्ट के वो जिम्मेदार हैं। और मगर उसमें हमजा ये नहीं, ट्रस्ट के सारे परिवार जिसमें मैं भी हूँ, सदर तो मैं ही हूँ ट्रस्ट का सदर, तो वो सब शामिल करके देशद्रोही ये है, ये काला धंधा करते हैं, समझा। उसके बाद सब इल्जाम उसके अंदर मेरे तो बहुत खतरनाक, और ये तो बिल्कुल अगर ये कार्रवाई शुरू होती इसके ऊपर तो इस वक्त हम आपके सामने ना होते, हम जेल में होते। उसमें ये इल्जाम था कि फॉरेन से फंड लाते हैं, फंड लाके उसका ये ना ईडी का भी एक मसला आ जाता है, बराबर है, तो काला धन का व्यापार करते हैं, बराबर, एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, देश विरोधी कार्य, टेररिज्म का काम करते हैं और टेररिज्म को फंडिंग करते हैं। ये इतने खतरनाक इल्जाम थे कि हजरत को भी जेल खुदा ना खास्ता जाना पड़ता, पासपोर्ट जमा करने नहीं शुरू हुई जी, वो लोग अपने ढंग से कार्रवाई करते, तो हाथ ये कैसे निकल गया यही एक मसला, हमको कैसे मिला तो इसको हमें जवाब देना होगा ना। वो तो खैर होगा, जब होगा वो तो कहा इतने खतरनाक, फिर भी हमने क्या किया, बुलाओ हसन मियां अरबी मियां उनके सामने रखो, ये क्या फौरन हमने कोई वो नहीं किया। अब हसन मियां के पास मैंने नहीं लिया, वो कसम है, जितनी कसम काबला के सर पे रख दो, अरशे मौला सर
कसम खाने से कोई बरी थोड़ी हो जाएगा। अगर कसम खाने से आप उसको मासूम समझ लें तो ये हिंदुस्तान में कोई गुनहगार रहेगा ही नहीं। कसम कसम वो हालांकि मसला क्या होता, हमारे पास वाजे हो गया, हमने आपके उस आपने गृह मंत्रालय में दरखास्त दी है, ये हमने अपनी आंखों से भी देख लिया, सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, और उसका तरीका भी है, जब चाहे आप भी देख लें उसी तरीके से। आप इसको वीडियो में आपको अभी दे दूंगा सबको, आप कायदे से देख सकते हैं कि और उसको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या। तो इल्जाम की अहमियत समझ आएगी, तो मैंने उनको और छूट दिया। अच्छा ये है ना उसमें, हाँ है भाई, स्क्रीन कार्ड तो नहीं कर सकते, किसने किया, आपने नहीं किया, आपके किसी आदमी ने किया, इतनी छूट, आखिर किसी ने तो किया ना, आपका मोबाइल चुरा लिया होगा या आपका नंबर ले लिया होगा, वो बड़ा आपसे क्लोज हो रहा होगा, समझा, उसने कर दिया ऐसा काम करके, कोई क्या आके बताएगा कि मैंने किया, उसने किया तो उसको ले आओ, उसको लाओ, ला किया किसने उसका नाम लो। अब आप अपने करीबी में देखें आपके करीब कौन कौन रहा, कितना रहा, किसको कितना अपने करीब, उन्हीं में तो होगा, वो उन्हीं में होगा, अपने करीब वाले हमारे ना हमने किया ना हमारे करीब वालों ने किया, उनके भी ले लिया। अरे सर तो बड़े गजब की बात, चोरी और सीना चोरी, चलिए सब उनकी हर बात हम सुनते हैं, है अब भी वो एप्लीकेशन आज भी गूगल के अंदर है, आज मौजूद है, उस पर कार्रवाई करना उन लोगों ने बंद कर दिया ये एक अलग बात है, इन्होंने दिया कि नहीं सवाल। अब किसने के कहा मैं लाऊंगा अपनी बेगुनाही का सबूत लाऊंगा, तो मैंने दे दिया एक महीना दो महीना लाओ, तो कुछ नहीं इधर उधर प्रोपेगेंडा करना, अपनी बेगुनाही के लिए लोगों को मिसगाइड करना और लोगों को वो करना धोखा देना, और साथ साथ मेरे ताल्लुक से भी इस तरह के प्रोपेगेंडे कराना, अरे अब उनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं रह गई है, हजरत भी नहीं सोच पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब ये सब बीत चला और कुछ लोगों को लगा दिया, वो मेरे लिए दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं, अल्लाह इनको समझने की तौफीक दे, सही फैसला करने की तौफीक दे, ये दुआ कर रहे हैं, मैं उस दुआ गो का इंतजार कर रहा हूँ, आए तो मैं शुक्रिया अदा करूँ कम से कम मुझे दुआ में याद तो हजरत अच्छे हैं, हजरत को समझ आया है, हजरत की सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है, आज हजरत बहकावे में आ गए हैं, हजरत को घेरा हुआ है, हजरत को घेरा हुआ है, ये बंद वो बंद, मोबाइल पर कब्जा हो इस पर कब्जा, खैर वो सब ये उनके मकसद था कि कोई करीब तक पहुंचे ना, वो आज तक वो नहीं ला सके। दूसरी एप्लीकेशन ये डालते रहे आगे है ना, वो अलग, वो आगे आगे कोई ना कोई दरख्वास्त किसी न किसी महकमे में थाने में कोतवाली में देते रहे, हम लोग सिर्फ पीछा करते रहे, कभी हमने कोई एप्लीकेशन को ये नहीं किया, किया ही नहीं, वो उस बचाव के लिए, कहीं वो कामयाब नहीं हो रहे, कहीं वो कामयाब नहीं हो रहे, करने को अपना कर रहे और अपने को पाको साफ ये वो। तब हमने उस वक्त ये फैसला किया ये किसी के लायक नहीं,
उसके अंदर न क़यादत की शान है। और ये पता नहीं क्या बहुत आस्ते पढ़ के आया कि जाहिल का जाहिल ही रह गया। क्या किया क्या, कोई हमने इम्तिहान थोड़े लिया था कि क्या पढ़ो क्या पढ़ो क्या, इतना भी शोर इसको पास नहीं, बिल्कुल शोर नहीं। आज तक वाटे कुछ मौलवियों को साथ कर लिया, कुछ पीरियों को साथ कर लिया, वो सब इसकी बोली बोलते। कुछ ऐसे लोग जिनको हमारी बोली बोलना था वो नहीं बोल रहे, वो उन्हीं की बोली बोल रहे। उसमें सबकी मसलियतें अलग अलग हैं। और जब हमने तहकीक किया तो पता ये चला कि मिशन इनकी ज़रूरत है, मिशन इनकी ज़रूरत है। मिशन को ये ख़त्म होने में इनको बड़ा कलक था। और ये हसन ने मुझसे कहा था इससे ज़्यादा नसीब दे दीजिए, मिशन छोड़ दी। जैसे डायरेक्ट कहा ले लीजिए मिशन, मेरे को छोड़ दीजिए। मतलब मिशन से कुछ फायदा हो तब आदमी मांगता है। ऐसी मिशन से मोहब्बत कहाँ से आ गई, तो पता लगाया मिशन की सारी जायदाद अपने नाम से इनके लोगों ने लिखवा दिया। सूरत में लिखवा ली, राजनपुर में लिखवा ली, बहुत जगह लिखवा ली, जहां हाथ लगा लिखवा लिया। अब बताइए जिनके हाथ पे पड़ गई है वो देंगे, तो अब बचाओ की सूरत उनके पास कुछ नहीं, सच बोलना नहीं। हमने कहा मिशन की सूरत, मिशन हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल डिजॉल्व कर दिया। तो जब मिशन डिजॉल्व किया, हमने बनाया, हमने डिजॉल्व किया, तो उसकी जायदाद तो हमारे हाथ में आनी चाहिए, हम जहां चाहे लगाए। ये लोग कौन हो गए तसरुफ करने वाले, ये क्या मामला। तो मिशन जो है ना, तो फौरन हमने मिटाया। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने फौरन मुहसिन आजम मिशन नाम रख लिया, मुहद्दिस आजम मिशन कह के नाम, वही जायदाद वही सारा सरमाया वही, और उसको कहने मुहसिन आजम। इन्हें कितनी चालाकी, ये हसन करते हो या उनके लोग करते हो, इस पर तो नहीं कहा जा सकता कि दिमाग किसका काम कर रहा है, मगर हो रहा है। एक वक्फ की जायदाद मिशन में थी तो वक्फ, अब किसी जगह जाएगी वो भी वक्फ हो। वक्फ की जायदाद दूसरे वक्फ में बदली नहीं जा सकती, ये हराम है। एक मस्जिद का सरमाया दूसरी मस्जिद में भी नहीं रख, हराम है। जब मस्जिद का सरमाया मस्जिद में नहीं रख सकता, ये सब पता नहीं जाएगा, जानते हैं कि नहीं जानते, मगर समझने की तो कोशिश करना चाहिए, आके समझते भी तो नहीं। ये हराम है, इनको हमारे अच्छा हम लेने का कोई जाबराना अंदाज नहीं, फटके मारो पकड़ो दबो इनके खिलाफ, ये हम ये सब चाहते नहीं। अल्लाह इनको अकड़ दे वापस कर, नहीं वापस करेंगे तो हम इतना सुना देंगे जिस चीज का यहाँ फैसला नहीं होता आखिरत की अदालत में जरूर होगा। एक अदालत है, तुम कितना खाओगे, कितना धोखा दो। अब ये बड़ी संगीन, तो हसन बजाय इसके भी अपनी बात को मनवा समझाते मनवाते कायल करते नहीं, दूसरों के साथ क्या क्या फेसबुक पर हो, क्या क्या फेसबुक पर लाइव आते हैं और सब बातें, हमारे जैसे कोई जवाब नहीं, हम जवाब देना पसंद भी नहीं करते इस तरह के। फिर हमने ऐलान कर दिया कि हसन के लिए मैं मर चुका हूँ, मेरे लिए हसन मर चुका हूँ। आ गया शॉर्ट में खबर में, अजय ने फरमा लिया, बस ये समझ लो। अब वो मेरा नाम न ले, अब मैं तो मर चुका हूँ, वो मेरे लिए मर चुका।
मेरे मुरीदीन का माहौल, मुरीदीन को तो सिर्फ अपने पीर की मानना चाहिए और कुशी के बाद न सुनना ना मानना। आप अपने लिए कुछ ज्यादा मसला ना बनाए, सीधी सी बात हमारे पीर के ये मुखालिफ है, हमारे पीर ने इनको गद्दार कहा। जब वाह गद्दारी की और पता चला बाद बाद में बहुत सिर्फ कि शुरू से यह गद्दारी कर रहा, हमको पता नहीं, मुरीद किसी और का और फिर मुझसे भी मुरीद हुआ एक ही दिन में था, मुरीद तंगवीर मियां का, उसी दिन मुझसे मुरीद। तो असल में बैत तो एक ही से होती, दो से तो नहीं। तंगवीर मियां की जो बैत थी वो ठीक, अब जो मुझसे मुरा तो ये नाटक है सियासत। और पूरी जिंदगी इसने ये जाहिर नहीं किया कि मैं तंगवीर मियां का मुरीद हूँ, मेरा ही मुरीद बनता रहा पूरी जिंदगी, हालांकि जाहिर करता तो क्या बुराई थी। अगर वो मुझसे कह देता कि मैं तंगवीर मियां से मुरीद हो चुका हूँ तो मैं मुरीद करता ही नहीं, हो चुके तो हो गए अब दूसरा क्या। मगर ये चालाकी थी, पूरी दुनिया इसी वजह से उसने घूम लिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बर्तानिया, मॉरिशस, हर जगह घूम लिया मेरा मुरीद बनकर। और अब कहता है कि मैं तो, मेरे पास बहुत सारे पीर है, मेरा बाप पीर है, मेरे मामू पीर है, इतने पीर तो पहले से मैं रखेंगे। इसने और हम ये समझ रहे कि मेरा मुरीद है, इतनी बड़ी बेहूदगी। तो कुछ नहीं है, लड़ना झड़ना अच्छी चीज नहीं, टकराव अच्छी चीज नहीं, सबसे अच्छी चीज ये कि आप सब ऐसी देखते हैं हमने अपने पीर से समझ लिया। और नाम लीजिए, हमारे पीर ने हमको बता दिया है तो उनसे आप हमारा रिश्ता कट गया है। हम आपसे रिश्ता उन्हीं की वजह से था, जब उन्हीं से नहीं रहा तो आपसे, हाँ हाँ पहचान आपसे भी है, और जब वही नहीं है तो फिर हमारे पास ना आप बात करें और नहीं इस मसले को पूछो करें। आप समझ रहे, आपको अपने वर्षों को बचाना इसलिए है कि वहाँ बहुत मुख्तलिफ ख्याल लोग मुख्तलिफ महल्ले में रहते हैं, समझा, तो वो लोग आपस में न टकराने पाए, हमको समझा दें कि हमने बड़ी से यही एक रास्ता है और हम कोई ज़बरदस्ती किसी को खींच के थोड़ी लाएंगे, नहीं आओ हमारी बात मानो ऐसा नहीं। तीन तीन मुकदमा चल रहा है, चौथ नंबर, और हम सिर्फ दफा कर, इन्होंने तीन मुकदमे किए, ये ना हजरत के ऊपर भी कर दिया, सुनिए निजामिया पे किया, सैफुल इस्लाम ट्रस्ट पे किया, वो अलग बात है, लेकिन हजरत पे एक मुकदमा। अब उनको कैसे हम बर्दाश्त करें, हजरत ने गद्दार कर दिया वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये अगर हमारे पीर के सामने या हमारे बाप के सामने कोई अगर केस करता है तो हमारा क्या फर्ज है, उसको बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते, ये अपना स्ट्रेटेजी है, ये आप लोगों को अमल करना। क्या क्या झूठी झूठी बातें उड़ाना और झूठे झूठे, ये जो बापू लोग इनके साथ है सब बड़े भोले वाले लोग, इनको समझाने से इनको जो समझा दिया समझने मान लिया होगा। जब मेरे सामने आएंगे बापू लोग जी बाबा तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो देखो उभर है ना, चाहे वो प्रांतीय वाले बापू हैं या अब्रार बापू हैं या सौकत बापू हैं या एक्स वाई जेड बापू हैं, वो उनको उन्होंने जो भी समझा दिया जिस तरह से उन्होंने समझाया, वो भी होशियार आदमी है, कलाकार, समझाया उन्होंने। अब्रार बापू ने एक बात कही नहीं, एक तो मुझसे मिलने आए नहीं शुरू में, जब आए तो शौकत अली के साथ आए, कुछ बात नहीं हुई, इधर आनंद जी भी गया वहाँ पर भी नजर आए, तो मुझसे टेलीफोन में पूछते हैं फला जहाँ
मुझे जाना है, कहने की दावत है मेरी, है ना, पता नहीं जी वहाँ हम जाएंगे पिटराज में जाएं कि ना जाएं, ऐसा ऐसा हम आपसे पूछ। हमने कहा अब तक जो कुछ आपने किया है मुझसे पूछ के किया जी 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 मेरे बेवकूफ़ी की बात दोस्तों चुप हो गए। हर शख्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अपने अपने मतलब से, और तहकीक जब तक की जाएगी तो पता चलेगा कितने घोटाले इन लोगों ने किए, उस सब को छुपाने का तरीका यह है कि हमारी बात दूसरों ने करने का। कभी राजनपुर गए, इन्होंने संगे बुनियाद का प्रोग्राम रखा, मिशन की जमीन, मोदी सदर मिशन के नाम से रजिस्टर्ड जमीन है जिसपे इन्होंने अपने खानका बनाने का ऐलान किया अभी 4-5 दिन पहले, बराबर। अच्छा कुछ लोग अभी ये फैला रहे हैं कि भाई ये शौकत अली बापू को हजरत ने कहा भाई हसन मियां से मिलोगे तो कोई वादा नहीं है, जब शौकत अली बापू मिल सकते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल गलत, शौकत अली खुद मिलने आए, मेरा तरीका भगाने का तो है नहीं, खुद मिलने आए अपनी बातें कहीं, मगर जरूरी नहीं कि हम उनकी सब बात मान भी लें, सुना हमने भी सुना उनकी गलतियां बताई थी, असल में शायद इन्हीं हैदराबाद की वजह से शौकत अली बापू अपने अशरफी चैनल से 2 जुमला कह दिए थे, ये जो हसन मियां फैला रहे हैं सब गलत है, इसके साथ हम नहीं हैं, हम तो अपने पीर के साथ हैं, नक्शा बदल गया। हो सकता था ना ये चैनल से आज तक भी नहीं कहा, अजीत से मिल के गए 3 मरतबा है फिर भी आज तक उन्होंने ऐलान नहीं किया, चैनल में कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि हम आप ही के साथ हैं, ये है उनका पूरा ग्रुप जो है हम आप ही के साथ हैं, तो ठीक है उसको हमने काटने की भी कोशिश नहीं की, नहीं आप हमारे साथ नहीं, उनके साथ नहीं, आप किसी के भी साथ रहें, मगर तो अब तो हमारे लिए एक फर्ज बनता है मुरीदीन से हम बताएं, एक तो मोहसिन आज़म मिशन ये गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ये उनकी गद्दारी की निशानी है, ये उनकी गद्दारी इस निशानी को मिटाओ, तो तुम्हारे पास तो बहुत से ट्रस्ट हैं उससे काम लो, मेरे मिल्लत ट्रस्ट है, सूफी मिल्लत ट्रस्ट है, आप दीन का काम उससे भी ले सकते हो, कोई नया ही चीज़ काम करके दे सकते हो, वही क्यों हमने मोहसिन मिशन खत्म किया, झड़ से आप मोहसिन आरोप, ये टकराव वाली बात है, किस क्या जरूरत थी कुछ मोहसिन आजम के, जब आपके पास 2-4 और तंजीमें हैं उसमें से लगा देते कि चलो खत्म, ये भी खत्म हो, इसलिए कि जो मुखफ्फ मुहद्दिस आज़म मिशन का वही मोहसिन आज़म के मिशन का मुखफ्फ वही है, एम ए एम एम ए मुहद्दिस आज़म मिशन मोहसिन आज़म मिशन एम ए किया किया भी था कि इख्तिलाफ की वजह से हम लोग उसको डिसॉल्व कर रहे हैं कि सैकुल इस्लाम ट्रस्ट वर्सेस मोहसिन मुहद्दिस आज़म, उसकी वजह क्लियर था, उसको डिसॉल्व भी करने की वजह अपने मुरीदों में टकराव बेशक हुआ था हजरत, ये हुआ ना अभी जो भी मोहसिन आजम मिशन में जिसको भी लिया वो हजरत के मुरीद है, मतलब इनकी जंग डायरेक्ट हजरत से, अपने हमजा मियां से नहीं है, जो हमजा मियां को बदिये लोग अपने के सामने रखते हैं कि हमजा मियां से हमारी जंग है, हमजा मियां से जंग नहीं है, जंग डायरेक्ट हजरत सैकुल इस्लाम से, ये अपने समझने की जरूरत है कि ये हमारे पीर के खिलाफ एक जंग कड़ी की है, तो हमको उससे हमारे बचना है, मोहसिन आजम से भी बचना है और इनसे भी बचना है, तो इन्होंने जो कहा ना कि हमजा मियां के साथ हमजा मियां ने यूं किया, शकलन मियां ने यूं किया, कमे करीम मियां ने, वो करीम मियां ने ये वो सब तो खाली बातें हैं, बातें असल ये है वो सैकुल इस्लाम से जंग करेंगे तो गुजरात से खत्म हो जाएंगे, अगर ऐलान कर देंगे मेरी जंग सैकुल इस्लाम से, या सैकुल इस्लाम अगर कह देते हैं हजरत हमारे कि वो मेरे साथ जंग कर रहे हैं तो ये पनप नहीं सकते अपनी गुजरात की धरती पे, लेकिन वो ये नहीं करते, बहुत होशियार आदमी है या उनके मुशीरकार बहुत एडवाइजर बहुत होशियार है जो उनको ये कहने पे
रोक रहे कि तुम सैकल असलाम से डायरेक्ट जंग कर रहे हो तो जंग बताओ, वो नहीं बता सकते। अगर वो बता दिया तो गुजरात से साफ नहीं कर देंगे, हम लोग कदम भी नहीं रख सकते गुजरात में इंशाल्लाह ताला। ये सब हम जो हजरत के मुरीद या हम सब भाई भाई, हम लोगों का फर्ज है इनको बाहर करो, मोहसिन आजम मिशन बंद करो, इनको बाहर। ये जो आपने सोचा ना कि नहीं घुसने देना, बस सही। हम ये राजनपुर से बैठे फजल भाई, राजनपुर की कोई मस्जिद में हमने उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। फिर उनका मोहसिन आजम का जो प्रेसिडेंट खांची है, उनके महल्ले में एक छोटी सी मस्जिद है खांचियों की, उसमें उन्होंने नमाज पढ़ाई, तो उनके मोहल्ले के अंदर थी वो घांची जिनके साथ थे। इन्होंने क्या करा, हजरत के सारे आदमियों को हटा दिया, मोहसिन आजम मिशन में थे सीनियर मोस्ट, खुद के आदमी भर दिए। तो अब वो मोहसिन ने अब मोहसिन आजम मिशन में जो इतने भी आदमी थे वो इनके ही आदमी थे, इन्होंने फौरन मोहसिन आजम मिशन बनाया और वो सब आदमी को वहां से वहां ट्रांसफर कर दिए। जो पुराने आज भी हैं वो नहीं गए, वो हजरत के, हम हजरत की प्रॉपर्टी है, हम हजरत की मिलकियत है, हम क्यों जाएंगे। तो ये आप लोगों के बोरसत में भी इसको खास ख्याल रख के इसको फैलाओ, जो हजरत से आप सुन चुके हो आज रूबरू बैठ के सुना है, जो हजरत की बातें आपने समझी है। दिसंबर को अंजाम यहाँ का प्रोग्राम है, इसमें तकलीफ दे लोगे ओला चाचा कहते चले, हूँ ट्रस्ट का प्रमुख हूँ, मुझे आना कहूंगा तो विरोध हो रहा मेरा। ठीक है, सीनियर मोस्ट आदमी जो आपके वहाँ के बड़े उनसे कहिए कि हजरत ने ये फरमाया, इबादुल्लाह के वहाँ है ना, इबादुल्लाह मेरा फोन नहीं उठा रहा, चार दिन से मैं ट्राई करता हूँ, तूने कैसे दावत रखी, तू तो हजरत का पुराना खलीफा है, बदल हाफिज और हजरत के बहुत तुम के ऊपर मेहरबानी आ रही है। अगर देखो सौकत भी मेरे से ना बोला है, बाबा बैठा पे इनके गले में कूतू के गले में पटे लाग गए। हाँ पटे लाग गए, हजरत तो फरमाया वही, अभी आपने समझा नहीं, वो पटे लागे ले समझाया हजरत किसके पटे दरगाह पे ईमान जो करते हो खतरे में। आज अपन जिसपे बैठे इसमें से असर बैठे थोड़ा समझते, पर जो आदमी में बाजार समझते इनके कैसा चलना क्या करना, एक वस्तु पब्लिक को कैसी करनी, अपने तो मानो के वस्तु थोड़ा बहुत समझते एक बात है। सही बात, हम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, आज सीधा रूबरू हजरत के पास ही बैठ कर समझ लिया हजरत से डायरेक्ट, कोई इधर उधर की बात ही नहीं। तकरारी था हजरत कि यानी माहौल इस तरह का था कि जैसे झगड़ा होगा इस तरीके से।